नमस्कार दोस्तों, पुनः मैं जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रसव तरंग का प्रयोग कर सकता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है पक्षी, बी में है चमगादड़, सी में है डॉल्फिन और डी में है चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों कर सकता है। प्रसव तरंग का प्रयोग जो है सो चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सोनार द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र की दूरी मापने के लिए की इकाई है, ये नॉटिकल मील में मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है नोएडा, सी में है हरियाणा और डी में है पंजाब। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर होगा नोएडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ये राजस्थान है में स्थित है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सांडी पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वेदांत गल पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा लोक नृत्य भारत का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, ए में है मोहिनीअट्टम, बी में है लावणी, सी में है कालबेलिया और डी में है रौप। इसका सही आंसर होगा मोहिनीअट्टम। देखिए, ये भी लोक नृत्य है लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा लोक नृत्य भारत का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आगे क्लियर करता हूं आपको। मोहिनीअट्टम जो है भारत का लोक नृत्य नहीं है, यह जो है सो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। देख, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह फंसाता है दोस्तों। ठीक है, लगता है कि हम तो सही आंसर करके आए हैं लेकिन जा करके आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो मोहिनीअट्टम जो है सो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लावणी, लावणी जो है सो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कालबेलिया, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है रौप, रौप जो है जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। हे राम का नारा किसने दिया था? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में है महात्मा गांधी, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, महात्मा गांधी। हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पूर्ण स्वराज का नारा ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है नारा दिया था इकबाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अरे अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है आंख का ढकना, बी में है मस्तिष्क की छवियों को संदेश भेजना, सी में ऑप्शन है आपका आंख की फोकस दूरी को बदलना और डी में चोट से आंखों की सुरक्षा करना। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, तो हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्या देखते हैं कि आप चलते चलते जब मोबाइल चलाते हैं तो ये जो है सो लेंस जो है सो फोकस को जो सो बैलेंस करता है। ठीक है,
इसलिए जो है सो चलते चलते कभी जो है सो मोबाइल नहीं देखना चाहिए, उससे आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा और आंख खराब होने की डर रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आपको पूछ दे कि स्पष्ट दृष्टि की दूरी क्या है तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष पूछते तो आप उत्तल लेंस कीजिएगा। निकट दृष्टि में कि निकट दिखता है, ठीक है, दूर नहीं दिखता है। और दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु दिखती है, ठीक है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग, ये जो है अवतल लेंस का किया जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर, जिससे हम लोग जो सो जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जिससे जिस मिरर से हम लोग पीछे देखते हैं, है ना, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, डॉक्टर जो है नाक कान आंख जो जांच करता है उसके पास भी अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ए में है अटलांटिक महासागर, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है हिंद महासागर और डी में है दक्षिणी महासागर। इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कर लीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्यूरिटोको गर्त स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सुंडा गर्त स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। आपको पूछ दे कि सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। लेकिन आपको पूछे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आप आंसर कीजिएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ए में है कानपुर, बी में बंगलुरु, सी में है मुंबई और डी में है चेन्नई। इसका सही आंसर है बंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक उड़ीसा में है। ठीक है, आपको पूछ दे चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म स्थान भी है कटक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आठवें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे औरंग कहा जाता है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है कांसा, बी में है सोना, सी में है चांदी और डी में है तांबा। ठीक है, इसका सही आंसर है सोना। औरंग किसे कहा जाता है, तो सोना को औरंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु तो सोना है। इसको क्या है, सोना को आप पीट करके चादर बना सकते हैं, इतना भी पीटिएगा आप टूटेगा नहीं ये। ठीक है, इसे लंबा लंबा तार या ये जो सो पतली परत बनाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे कम क्रियाशील धातु ये सोना है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध सोना होता है, ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है, लेकिन पहले जो जो भी ज्वेलरी बनता था, जो भी गहना बनता था, वो 18 कैरेट का बना दिया जाता था। ठीक है, शुद्ध सोना तो अब हॉलमार्क का जो बनता है वो है। ठीक है, उसमें भी कुछ काट लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नवे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है एशिया, सी में है यूरोप और डी में है अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछ दे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तीनों रेखा जो है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, किस महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 10वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1925 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1930 ईस्वी में। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ क्वेश्चन आपका बनेगा, महात्मा गांधी ने कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो आप 78 समर्थक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गांधी इरविन समझौता, ये 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।